नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई विच मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग दौरान गरीब पक्षी उपरालों निर्धारित समय में लागू करने लिए किया गया विचार वटांदरा। मुख्यमंत्री ने सारे कर्मचारियों हड़ताल खत्म करने की की अपील। उन्होंने तीन खेती कानूनों वापस लेने की केंद्र सरकार तो मांग की। वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ब्रांड इंडिया नू गुणवत्ता उत्पादकता प्रतिभा ते नवाचार लई प्रतिनिधि बनाना चाहती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिलिट्री नर्सिंग सेवा की डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती नू नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2020 प्रदान किया। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अक्टूबर तो कोविड टीके की बरामद मुड़ शुरू करेगा। युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन सारे सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के खेड मंत्रियों नाल खेडां नूं होर उत्साहित करने लई वर्चुअली विचार वटांदरा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी शान नूं बहाल करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश नूं विशेष तरजीह दे रहे ने। ते हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग दौरान वख-वख गरीब पक्षी उपरालों निर्धारित समय में लागू करने लई विचार वटांदरा किया गया। मीटिंग में इसकी शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिहाड़े से 2 अक्टूबर तो करन बारे भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मकान ते शहरी विकास विभाग को आदेश दिता कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों लिए 32,000 घरों का निर्माण तुरंत पहल के आधार पर किया जाए। यह घर योग लाभपात्रियों वाजिब किश्तों से उपलब्ध करवाए जान। मंत्रिमंडल ने यह भी विचार किया कि ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करने जमीन मालकों अपनी जमीन विचों मुफ्त रेता कटने की आग्ञा दी जाएगी। इस प्रणाली नाल कोई भी जमीन मालक अपनी जमीन विचों रेता कट सके जिस नाल खपतकारां नूं वाजिब कीमतां ते रेता मुहैया होण नूं यकीनी बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा ते हेठले घरेलू खपतकारां लई मुफ्त बिजली दे 200 यूनिट नूं वधा के 300 यूनिट ते विचार कीती। मंत्रिमंडल ने वधीक मुख सकत्तर नूं अगली कैबिनेट मीटिंग विच इस संबंधी तजवीज़ बिजली संबंधी तजवीज़ पेश करने लिए आख्या ता जो गरीब ते लोड़वंदां नूं राहत दित्ती जा सके। मंत्रिमंडल वल्लों पेंडू जल सप्लाई स्कीम अधीन चल रहे ट्यूबवैलों के बकाया बिजली बिलों नूं माफ़ करन बारे विचार वटांदरा किया गया ते पेंडू इलाकियां विच पानी की मुफ्त सप्लाई भी की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सारे कर्मचारियों हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुलाजम उन्हें भरोसा रखन उन्होंने सारे मामले जल्द ही हल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभालने मगरों मीडिया को संबोधन किया। गलबात करद भावुक हो गए तो कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करद कहा कि उन्होंने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। चन्नी ने कहा कि पंजाब में आम लोगों का राज स्थापित होया है। उन्हें कहा कि वह पंजाब की एकता और अखंडता कायम रखने लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके यह भी कहा कि रेत माफिया से फैसला अज ही हो जाएगा तो बिजली समझौतों बारे भी जल्द ही फैसला होगा। उन्होंने पिंडों में गरीबों के पानी बिल माफ़ करने का ऐलान भी किया तो शहरों के लिए भी छेती फैसला किया जाएगा। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकन मगरों अपना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल सितंबर महीने संसद में पास किए गए 3 खेती कानूनों वापस लेने की केंद्र सरकार तो मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के नाल खड़ी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार वालों किसानों के बिजली और पानी के बकाया बिल माफ़ किए जाएंगे। केंद्र वालों खेती कानून लागू करन मगरों पिछले साल 25 नवंबर किसानों ने कौमी राजधानी दिल्ली लई रोस मार्च कढ़िया जिस विच खेती कानूनों मुकम्मल तौर पर रद्द करने की मांग की थी। किसानों के इस दिल्ली चलो अंदोलन में मुख्य तौर पर पंजाब ते हरियाणा के किसान शामिल सन। केंद्र सरकार वालों पिछले साल 14 सितंबर खेती बिल संसद में पास करवाए गए सन। राष्ट्रपति ने 27 सितंबर खेती बिलों से मोहर लगाई सी। किसानों को खदशा है कि नवे खेती कानूनों के नाल MSP खत्म कर दी जाएगी और उन्होंने वड्डे कारपोरेट घराणे के रहम से छड़ दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने वार बार किसानों को भरोसा दिता कि खेती कानून किसानों के हित में ने MSP और मंडिया बंद नहीं की जाएगी। वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार बरामदकारां दी सहायता ते उन्हां दे मुद्दियां ते हल लई 24 घंटे हैल्पलाइन नूं संस्थागत करन जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव दी याद विच
जेड नोएडा विखे वणज सप्ताह लॉन्च वेले पूंजीवत भाषण देंद्या गोयल ने कहा कि सरकार का मकसद ब्रांड इंडिया नूं गुणवत्ता उत्पादकता प्रतिभा ते नवाचार दा एक प्रतिनिध बनाउणा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सनअती विकास विच लगातार काम किया है। सूबे विच हुण कानून ते व्यवस्था विच सुधार आउण दे नाल कारोबार ते व्यापार करना बहुत सौखा ते सुरक्षित हो गया है। मंत्री ने कहा कि भारत नूं विश्व आगू बनाउण दे लई योगदान पाउण लई अगले 25 सालां लई मिलके एक रोडमैप बनाउण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि वणज सप्ताह समुचे भारत दा किरदार है ते इह जन अंदोलन ते जन भागीदारी दी भावना दर्शाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिन मिलिट्री नर्सिंग सेवा दी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर SV सरस्वती नूं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2020 प्रदान किया। उन्होंने यह सम्मान एक वर्चुअल समागम विच MNS विच नर्स प्रशासक वजो वड्डा योगदान पाउण दे लई दित्ता गया है। ब्रिगेडियर सरस्वती एक मशहूर ऑपरेशन थिएटर नर्स है जिसने 3000 तो वध जीवन बचाओ अते एमरजेंसी सर्जरियां दे विच सहयोग दित्ता है। इस अलावा उन्होंने रेजिडेंस ऑपरेशन रूम नर्सिंग सिखलाई करतावां अते होर स्टाफ नूं सिखलाई दित्ती। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान सब तो वड्डा सम्मान है जो कि एक नर्स निष्काम समर्पण अते बेमिसाल पेशवराना काम दे लई प्राप्त कर सकती है। उपभोक्ता मामले अनाज अते जनतक वंड मंत्रालय तहत अनाज अते जनतक वंड विभाग ने वाजिब मुल दीआं दुकानां दे लई कारोबारी मौके अते आमदन वधाउण लई CSC ई गवर्नस सेवावां इंडिया लिमिटेड नाल इक माडल समझौता कीता है तां जो इच्छुक वाजिब मुल दीआं दुकानां दे लई डीलरां दे राहीं CSC सेवावां दी सपुरदगी हो सके। समझौते ते दस्तखत जनतक वंड दे डिप्टी सकत्तर ज्योत्सना गुप्ता अते उपप्रधान CSC सार्थिक सचदेवा ने सकत्तर अनाज अते जनतक वंड सुधांशु पांडे अते CSC दे मैनेजिंग डायरैक्टर दिनेश कुमार त्यागी दी हाजरी विच किते। वाजिब मुल दीआं दुकानां नूं CSC सेवा केंद्र वजो काम करन योग बनाउण दे लई CSC नूं सलाह दित्ती गई है कि उह खपतकारां नूं इलैक्शन कमीशन सेवावां पासपोर्ट अर्जियां पैन अर्जियां यूटिलिटी बिल अदायगियां वर्गियां सेवावां दी पछाण करे अते वाजिब मुल दीआं दुकानां नूं वधीक आमदन मुहैया करवावे। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अक्तूबर महीने तो कोविड टीके की बरामद मुड़ शुरू करेगा। नवी दिल्ली में पत्रकारों से गलबात करते हुए मांडविया ने कहा कि विश्व सेहत संगठन के कोवैक्स प्रोग्राम तहत लोड़वंद मुल्कों को स्वदेशी विकसित कोविड टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री तहत कोवैक्स प्रोग्राम की लोड़ां दी पूर्ति दे लई टीकियां दी बरामद अक्तूबर महीने दे उत्पादन दे आधार ते शुरू कीती जावेगी। मांडविया ने कहा कि वैक्सीन दा वाधू उत्पादन वसुदेव कुटुंबकम दे सुनेहे तहत लोड़वंद मुल्कां नूं भेजा जावेगा। उन्होंने दस्सिया कि अगली तिमाही दौरान तकरीबन 100 करोड़ टीके बनाए जाणगे जिन्हां विचों 30 करोड़ टीके अक्तूबर विच बनन दी संभावना है। इस प्रोग्राम दे लई सेहत मंत्रालय वल्लों विदेश मंत्रालय दे नाल लगातार तालमेल रख्या जा रहा है। अप्रैल विच देश विच कोविड मामलों विच अचनचेती वाधे कारण वैक्सीन बरामद अस्थाई तौर ते रोक दी गई सी। इस तों पहलां भारत ने दुनिया के 95 मुल्कों में 63 मिलियन कोविड टीके उपलब्ध करवाए सन। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत भारत ने 81 करोड़ तो वध टीके लगाउण दा एक होर मील पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी खिलाफ लड़ाई विच इस नूं एक नवी प्राप्ति वजो दर्शाया है। सेहत मंत्रालय वल्लों दित्ती गई जानकारी के अनुसार हुण तक 81,73,763 टीके लगाए जा चुके ने। मुहिम तहत बीते दिन 85,68,000 कोविड टीके लगाए गए। हुण तक 60,65,00,000 तो वध लोकां नूं वैक्सीन दी पहली खुराक दित्ती गई है जबकि 20,56,00,000 तो वध लाभपात्री दूजा टीका भी लगवा चुके ने। मंत्रालय मुताबिक कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कुल 67,21,00,000 तो वध लोगों की रजिस्ट्रेशन की गई है। युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन देश के सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के खेड मंत्रियों के नाल देश दे विच खेडां नूं होर उत्साहित करन दे लई वर्चुअली विचार वटांदरा किया। टोक्यो विच ओलंपिक्स अते पैरालंपिक्स की वड्डी सफलता तो बाद खेड मंत्री ने सूबे अते केंद्र शासित प्रदेशों तो खेडां नूं होर अगे लिजाण लई अते सूबे भारत नूं खेडां दे विच सर्वोत्तम राष्ट्र बनाउण दे मिशन दे विच किवें योगदान पा सकदे ने इस बारे विचार वटांदरा किया। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ।
मीटिंग तो बाद मीडिया नाल गलबात करदिया खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूबा खेड मंत्रियों नाल भविख विच होण वालियां ओलंपिक्स एशियन खेडां ते कॉमनवैल्थ खेडां लई अपने एथलीटां लई एक रोड मैप तैयार करन बारे विचार वटांदरा कीता गया। उन्हें कहा कि मंत्री इस तरह के विचार वटांदरे लई साल विच घट्टो घट्ट दो बार मीटिंग करन लई सहमत होए ने तां जो बेहतर बुनियादी ढांचे ते प्रगति दा जायजा लिया जा सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी शान नूं बहाल करन लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश नूं विशेष तरजीह दे रहे ने। श्रीनगर विच व्यापार सनत सैर सपाटा आवाजाई ते होर सैक्टरां दे नुमाइंदियां नाल मीटिंग दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि सारे सैक्टरां दे नुमाइंदियां वल्लों दस्सियां गईयां समस्यावां ते चिंतावां दा जल्दी हल कढ़िया जावेगा। उन्हां सारे नुमाइंदियां नूं भरोसा दिंदिया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर विच चल रहे सारे प्रोजैक्टां दे नेड़े नज़र रख रहे ने अते निजी तौर ते जम्मू कश्मीर दे मुद्दे नूं जल्द तों जल्द सुलझाउण दी इच्छा रखदे ने। सैर सपाटा दे पक्षों केंद्र सरकार दीआं पहलकदमियां दा जिक्र करदिआं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर विच सैर सपाटे नूं उत्साहित करन दे निरंतर यत्न कीते जा रहे ने। उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर लई फिल्म नीति तैयार की गई है जिस नाल इत्थे सैर सपाटे दे नाल नाल फिल्म शूटिंग लई भी निर्मातावां नूं उत्साह मिलेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले वरे कश्मीर नूं रेल लिंक राहीं समूचे देश नाल जोड़िया जाएगा जो कि खिते दे विच रुजगार सिरजण अते सैर सपाटा लई इक गेम चेंजर फैसला साबित होवेगा। भारतीय फौज ने कहा कि इस साल फरवरी महीने भारत पाकिस्तान दी फौजां विचाले ताजा समझौते तो बाद जम्मू कश्मीर विच LOC ते गोलीबंदी की उलंघना की कोई घटना नहीं वापरी। श्रीनगर विच 15 कोर दे जनरल ऑफिसर कमांडिंग लैफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि समझौते मगरों गोलीबंदी की उलंघना दी घटनावां राहीं घटनावां नहीं वापरियां पर पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर वाले पासों कुछ पैरतियां कोशिशां होईयां ने जिन्हां नूं साडे चौकस जवानां ने नाकाम कर दिता है। उन्हें कहा कि इस तो पहला कंट्रोल रेखा से गोलीबंदी की उलंघना समय पाकिस्तानी फौज अतवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए फायर कवर मुहैया करवाती थी। लैफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि भारतीय फौज किसी भी तरह की गोलीबंदी की उलंघना की चुनौती से निजिठण पूरी तरह तैयार है। उन्हें कहा कि भावें पाकिस्तान वाले पासों भड़काहट की कोई घटना नहीं वापरी पर साड़ी फौज LOC से पूरी तरह चौकस है। उन्होंने दसिया कि बारामूला जिले के उड़ी शहर में LOC लागे भारतीय फौज वालों चलाया जा रहा तलाशी अभियान जारी है। दरअसल इतों अतवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसन भारतीय फौज ने नाकाम किया। उन्होंने दसिया कि वंगारे जाते अतवादी पाकिस्तान वाले पास भजे सन पर फिर भी भारत वाले पास इन्हों किसी भी अतवादी की मौजूदगी ना हो इस यकीनी बनाने के लिए जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में चुनवियां खबर एक बार फिर तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग दौरान गरीब पक्षी उपरालों निर्धारित समय में लागू करने लिए किया गया विचार वटांदरा। मुख्यमंत्री ने सारे कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने की की अपील। उन्होंने 3 खेती कानूनों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की। वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ब्रांड इंडिया नूं गुणवत्ता उत्पादकता प्रतिभा ते नवाचार लई प्रतिनिध बनाउणा चाहुंदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिलिट्री नर्सिंग सेवा दी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर SV सरस्वती नूं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2020 प्रदान किया। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अक्टूबर तो कोविड टीके की बरामद मुड़ शुरू करेगा। युवा मामले के खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन सारे सूबों के केंद्र शासित प्रदेशों के खेड मंत्रियों नाल खेडों नूं होर उत्साहित करने लई वर्चुअली विचार वटांदरा किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी शान बहाल करने लई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश नूं विशेष तरजीह दे रहे ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।